स्टूडेंट मैं गल कर लगा जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 40.3। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम बहुत बार आ चुका है जी। 4 मार्क्स का आता जी, मोस्टली ये क्वेश्चन भी आ जाता वा जो इस टाइप का। होर ये टाइप की है कि ये थोड़े को एक्स वाई एंड वाई फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करनी है। मीडियन गिवन है जी, मीडियन इज 28.5। मीडियन गिवन है जी, क्लियर। फर्स्ट यू फाइंड आउट द CF CF जी 5 प्लस एक्स, क्योंकि आप कॉन्सटेंट और वेरीएबल ऐड नहीं कर सकते, तो एड एज इट इज लिखा जी आप 25 प्लस एक्स, क्योंकि जो 20 है 5 ऐड हो जूगा जी। सिमिलरली ये ऐड हो जूगा तो 40 प्लस एक्स, क्लीयर। 40 प्लस एक्स प्लस वाई ये भी डिफरेंट वेरीएबल है जी, ये भी नहीं ऐड होगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई, क्लीयर। ओके ये थोड़े को CF आ गई जी। फर्स्टली आप गल करिए प्लस जो क्वेश्चन मीडियम के क्वेश्चन करते हैं आप एक टर्म पढ़ते हैं कि जी थोड़ी लास्ट CF आ और थोड़ी नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म के इक्वल होंगी है जी हमेशा, क्लीयर। तो इतने थोड़े को CF हैगी है जी, लास्ट CF है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म दैट इज 60। 45 राइट हैंड साइड चला जाएगा, 60 माइनस 45 दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। दो वेरीएबल फाइंड आउट करने, दो वेरीएबल जो भी तुसी फाइंड आउट करना थो दो इक्वेशन जरूरी ने जी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सैकेंड आप बनावे जी, क्लीयर। सैकेंडली की करा जी आप मीडियम का फॉर्मूला लगावे, क्योंकि मीडियम गिवन आप देखो हम तुम CF के मीडियम जो फाइंड आउट करते हैं क्लास इंटरवल कि यूज करते हो एन बाय टू करके, 60/2 करके दैट इज 30। और तुम 30 की वैल्यू इतने कितने है जी दस सकते हो जी? नो, बिकॉज इतने वेरीएबल आ गए हैं, वेरीएबल एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती है, एनी 1 वाई की डिफरेंट होगी, तो आप ये नहीं दस सकते 30 कितने आऊगा, क्लीयर। तो आप इंटरवल का किसके अकॉर्डिंग चूज करना, मीडियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप गल पढ़ चुके हैं कि जो मीडियम आता थोड़ा उस इंटरवल आता जो चूज कर चुके हो, थोड़ी मीडियम क्लास में आता वा, तो मीडियम क्लास उस थोड़ी मीडियम के अकॉर्डिंग होगी। मीडियम कि इंटरवल लाई कर रहा जी, मीडियम लाई कर रहा वा 20-30, क्योंकि आंसर आई थोड़ा 28.5, तो 20-30 इंटरवल लाई कर रहा, ये अकॉर्डिंग आप वैल्यूज लवेंगे जी, क्लीयर। मीडियम का फॉर्मूला होंगे जी L plus N by 2 minus CF over F into H, clear? L अपने को आ गई है जी, lowest term is lower limit, sorry, that is 20, and next आ गई जी N by 2, N अपने को 60 है जी, clear? And CF किसी की जो अपना interval choose किया उस तो पहले वाले दी जी, that is 5 plus X, and F आ जी थोड़े को उससे टर्म की फ्रीकुएंसी दैट इज 20, और एच है जी थोड़े को 10। ऑल वैल्यूज आर गिवन, मीडियम इज आल्सो गिवन 28.5 इज इक्वल टू एल, एल इज 20 प्लस एन बाय 2 60/2 माइनस CF। इतने बहुते बच्चे मिस्टेक करते हैं, की मिसटेक होंगी है इतने, पहला तो तुम ब्रैकट नहीं पाते जी, ब्रैकट ना पाओगे तो री की आंसर थोड़े को आऊगा जी, जो ब्रैकट नहीं पाते तो थोड़े को आता जी, ब्रैकट नहीं पाई जी, तुम इदा ही लिख जाते 5 नू माइनस द एक्स प्लस का, क्लीयर। वो आंसर की हो जाता थोड़ा जी रोंग हो जाता, क्योंकि जो ब्रैकट ओपन करोगे तो दोनों के साइन चेंज होने, बट जो तुम ब्रैकट नहीं पाते तो एक का साइन चेंज कर दें दूसरे का कर देंगे, ब्रैकट बेशक ना पाओ बट साइन दोनों चेंज करो ना, फिर तुम साइन एक का चेंज करते हो फ्रंट वाली टर्म का, सैकंड वाली का साइन चेंज नहीं करते तो आंसर थोड़ा रोंग चला जाता जी, इस करके फर्स्टली तुम उसे ब्रैकट यू जरूर यूज करो, क्लीयर। एफ कि थोड़े को 20 एंड एच इज 10, क्लीयर। 0 कट विद 0 फर्स्टली आप इस 20 इधर लेके आवेंगे जी, 28 माइनस 5 सॉरी माइनस 2 60 ओवर 2 डेट इज 30 माइनस, हूँ मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा माइनस 5 माइनस एक्स, क्लीयर। दोनों साइन चेंज हो गए, ओवर च 2 है जी,
इतने माइनस करके 8.5 आ गया जी, आ वाला 2 इधर आके हो जाऊगा मल्टीप्लाई, 30 माइनस 5 डेट इज 25 माइनस एक्स, सेवनटीन इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 नो इधर ले आइए जी, 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। हम बच्चे बहुत इतने भी मिसटेक करते हैं, आ माइनस साइन छड़ जाते हैं, कला प्लस का एक्स लिख जाते हैं, उत्थे भी रोंग आ, थोड़ी एक्स वाई पॉजिटिव आऊगी, नैचुरल नंबर आऊगी, क्लीयर। माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स माइनस कर विद माइनस दैट इज एक्स इज इक्वल टू 8। हुण आपां फस्ट इक्वेशन एक लैके चले सीगे जिहदे विच तुहाडे कोल आया जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो इत्थे एक्स दी वैल्यू 8 पुट कर दो जी, उत्थे तुहाडे कोल की आ जाऊगा वाई, वाई किन्ना आ गया जी तुहाडे कोल 7, दैन बोथ टर्म्स आर 8 एंड 7, यूअर आंसर इज कंप्लीटेड। Your answer is completed, totally complete.